दोस्तों वेलकम है आपका फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग मैच कवर करने जा रहे हैं जो 60 का मैच होने वाला है। फर्स्ट मैच गयाना अमेजोन वॉरियर्स वर्सेस सैंट लूसी जॉक्स के बीच में ये मैच खेला जाएगा। फर्स्ट नंबर मैच है। देखो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको है ना कितनी टीम्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक स्मॉल लीग का टीम रहेगा, प्लस इस वीडियो में मैंने स्पेशल ये किया है कि आप लोगों के लिए 3 ग्रैंड लीग के फॉर्मेशन रेडी किए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस आपको ये कीप माइंड में अपने रखना है कि ये T10 का मैच है, तो T10 में ये 4 स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी चाहिए जब भी आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है वो रेडी कर रहे हैं। तो 4 स्ट्रेटजी क्या है इस पर आपको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, मैं आगे वीडियो में कम्प्लीट बताऊँगा। उन्हीं के बेसिस पे मेरी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम जो है वो बनी हुई है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले प्लेयर स्टेट्स जानने जरूरी हैं क्योंकि काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो T10 खेल चुके हैं, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 3 बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मैं आपको दूंगा वो आपको फॉलो करने हैं, एक एक चेंजेस करते हुए ग्रैंड लीग की फॉर्मेशन आप बनाएंगे कम्प्लीट, ठीक है। इस वेन्यू के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इस वेन्यू की बात करता हूँ, वुमेंस के मैचेस हो चुके हैं 60 के, वो मैं आपको 3 मैचेस बता देता हूँ। देखो वुमेंस के मैचेस को मेंस के मैचेस से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमेशा लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं वुमेंस के और कोई भी प्रेडिक्टेबल नहीं रहता कि कौन विकेट लेके जाएगा। लेकिन मेंस के मैचेस में कुछ चीज़ें कन्फर्म होती है कि जब भी T10 मैच होगा ये, इसमें एक तो सबसे मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, पहली टिप आप समझ लीजिए कि डेथ के बॉलर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस यहाँ पर बैट्समैन को अच्छा खासा एडवांटेज है और बॉलर को भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। बॉलर कौन से इंपॉर्टेंट है, वही बॉलर, अगर कोई बॉलर अगर कैप्टनसी देना चाहते हैं ग्रैंड लीग के अंदर तो डेथ का बॉलर ही चॉइस कीजिएगा जो कि 8th, 9th और 10th ओवर के अंदर बॉलिंग करें, वही बॉलर को कैप्टन देना है। अदरवाइज आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है कि आप बैट्समैन या फिर आप लोग क्या करें एक विकेट कीपर, इन दोनों के साथ में CVC के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आप लोग ग्रैंड लीग में रैंकिंग लगाएं। क्योंकि यहाँ पर 30+ का स्कोर करना यानी आपके पास में कम से कम 52-55 पॉइंट्स मिल जाएंगे, प्लस 4 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो प्लेइंग फॉर मिलते हैं, यानी 60 पॉइंट्स इजीली आपको मिल जाएंगे अगर 30 का स्कोर कर देता है। और 2 विकेट अगर डेथ का बॉलर लेता है तो उसको भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे 65 के आसपास। तो जो टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं ना, सेकंड नंबर टिप आप समझ लीजिए कि टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं यानी टॉप 3 तो मस्ट है, वो पिक में रहेंगे, आपको ड्रॉप नहीं करना है। कोई भी बड़ा प्लेयर बड़ा स्कोर करके जा सकता है, तो टॉप 3 तो हमारे पास में होंगे ही होंगे, ठीक है। प्लस इसमें एक डेथ का बॉलर हमारी टीम के अंदर इंक्लूड होंगे ही होंगे, ये दोनों ही पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। टॉप 3 आपको रहना है और टॉप 3 में अगर कोई विकेट कीपर आ रहा है तो वो तो मस्ट है, वो पिक में रहेगा ये, ठीक है। ये 2 टिप्स है, 2 टिप्स कैप्टन वाइस कैप्टन से कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं बता दूंगा आपके और भी, ठीक है। मेंस के मैचेस में अच्छा स्कोर बनेगा क्योंकि ये विकेट जो है वो बेटिंग विकेट है, जैसे कि आप लोग CPL में भी देखा होगा जमैका थालावास का जो है होम ग्राउंड रह चुका है, तो यहाँ पर क्या है उन्होंने स्कोर्स काफ़ी अच्छे किए हैं, ठीक है। वैसे सेंट किट्स का यह होम ग्राउंड है, यहाँ पर थालावास ने काफ़ी अच्छे स्कोर्स किए हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक अच्छी खासी बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, आपको स्कोर्स देखने को मिल सकता है 110 से 120 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल सकता है क्योंकि मेंस का मैचेस है, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। जल्दी से हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं। रूल्स अगर आपको पता नहीं है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैं जल्दी से इस रूल्स को भी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। टोटल 6 ही विकेट है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ज़्यादा मेंस के मैचेस में पूरे 6 विकेट भी गिरेंगे। हम 2 या 3 विकेट एक्सपेक्ट करें कि कम से कम 3 विकेट गिर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 2-3 विकेट यहाँ पर डाउन होंगे, उससे ज़्यादा विकेट गिरना थोड़े से मुश्किल है, और गिरेंगे भी तो वही बात है डेथ में गिरने वाले हैं, ठीक है, ये बात आप नोटिस कीजिएगा। इसलिए डेथ का बॉलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस T10 फॉर्मेट के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक रूल और मैं आपको बता देता हूँ, अगर पहले 2 ओवर के अंदर कोई अगर टीम जो बैटिंग कर रही है अगर लगातार 2 सिक्सेस मार देती है तो क्या होगा, यानी 2 सिक्सेस मार देती है तो उसको एक और पावर प्ले उसके लिए ओपन हो जाएगा जो वो कभी भी ले सकती है 3 to 9 ओवर्स के बीच में। हर 30 बॉल्स के बाद में जो है एंड चेंज होगा, दोनों ही साइड से एंड जो है वो चेंज हो सकता है 30-30 बॉल्स के बाद में, ठीक है। अगर लेट हुआ, ध्यान रखिएगा, अगर लेट होता है गेम में जरिए से भी टाइमिंग के हिसाब से लेट होता है तो लास्ट के ओवर में जो रहता है ना लास्ट ओवर उसके अंदर से एक प्लेयर बाहर रहेगा, ठीक है, वो बेंच पर रहेगा, उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसको पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। प्लस मिस्ट्री फ्री हिट कोई कभी भी ले सकता है, जैसे कि ये फैंस के ऊपर डिपेंडेड है, अगर आप लाइव देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या होता है। इसके बारे में डिस्कस करने से बेटर है हम प्लेइंग 11 की तरफ बातचीत बढ़ते हैं। गयाना की तरफ से टॉप 4 इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 एंड 4 अगर क्लासेन आते हैं फर्स्ट डाउन
तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली मुझे लगता है सिमरन हेटमायर ही आने चाहिए। तो ये टॉप फोर इम्पोर्टेंट है। अगर टॉप फोर में से एक चंद्रपॉल हेमराज को अगर आप लोग ड्रॉप करें, देन आपके लिए टॉप थ्री, ठीक है, 1, 2 एंड 3, प्लस आप बॉलर के साथ में जाइए फिर यहाँ से, क्योंकि इस विकेट पे स्पिनर्स को भी अच्छा हेल्प मिलता है। तो यहाँ से ये थ्री और यहाँ से ये थ्री, टोटल 6 बॉलिंग यूनिट प्लस बैट्समैन, ये तीनों कवर हो जाएंगे, जिसमें शाही होप अच्छी कंटेंडर बन सकते हैं CVC के स्मॉल लीग में। लेकिन T10 के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, T20 के अच्छे नहीं है, लेकिन विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो एडवांटेज है। इसलिए वाइस कैप्टनसी आप GL अगर खेल रहे हैं तो आप लोग अपनी टीम में वाइस कैप्टनसी इनको दे सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग में आपको मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा ऐसे बैट्समैन या ऑलराउंडर की तरफ जाएं जो कि डेथ में गेंदबाजी करता हो, ठीक है, यहाँ से। बाकी ग्रैंड लीग का कौन सा पिक यहाँ पर हो सकता है, काफ़ी लोग इग्नोर करेंगे। अगर बैटिंग ऑर्डर सेम रहता है तो हेनरिक क्लासन को काफ़ी लोग इग्नोर करेंगे विकेट कीपर सेक्शन से, तो ये आपके लिए एक की प्लेयर रहने वाला है, ठीक है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो एक की प्लेयर यहाँ से हेनरिक क्लासन हमारा रहेगा, बाकी यहाँ से कोई भी इतना अच्छा चॉइस में नहीं है। आप लोग ग्रैंड लीग में एक और की प्लेयर मान सकते हैं, वो है किमोपोल। ये दो प्लेयर रहेंगे वो ग्रैंड लीग के जो है वो पिक रहने वाले हैं। बाकी सारे स्मॉल लीग्स में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए वर्सामी परिमोल को, ये आपके लिए ग्रैंड लीग का उतना अच्छा चॉइस नहीं रहेगा। और रॉन्सफोर्ड बीटन, ये भी ग्रैंड लीग के लिए अच्छा चॉइस नहीं है। अब पॉल स्टर्लिंग अवेलेबल होते हैं तो वो सीधा ओपन करेंगे, कन्फर्म है, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनको भी, तो ये खेलेंगे ऊपर की तरफ टॉप में, ठीक है। बाकी कोई भी इतना अच्छा चॉइस आपके लिए यहाँ पर नहीं है। हालांकि लेविस है, जॉन कैम्पबेल है, इनको जो है वो T10 का एक्सपीरियंस है, ब्लैकवुड को भी हैं, ये तीनों T10 खेल चुके हैं, लेकिन तीनों ही इतने खास ऑप्शन नहीं है। मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन शायद ये लेफ्ट आर्म पेसर है, मैं कंफर्म करके आपको बताऊँगा, अगर लाइनअप्स आती है तब मैं आपको क्लियर कर दूँगा। सेंट लुसी की तरफ से बात करते हैं, मार्क दिया, जोसेफ चार्स, लेरोलग, अकीम अगस्टी, रोस्टन जेस, थोड़ा सा वीक लग रहा है इनका टॉप, इसीलिए आप लोग टॉप में से दो ये प्लेयर अपनी टीम में रखें, जिसमें एक विकेट कीपर आपके पास में आ रहा है, तो आप VC के कंटेंडर में चार्ल्स को रख सकते हैं। और T10 का इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपको पता है इसले ऑफ मैन करके इसले सीरीज जो चलता था उसके अंदर भी ये खेल चुके हैं, प्लस एक और है ड्रीम इलेवन का जो खुद एक सीरीज होता था विंसी प्रीमियर लीग में, ये खेल चुके हैं, तो एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो चार्ल्स मार्क दियाल दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, मस्ट हैव पिक में रहेंगे, प्लस इसमें से कोई एक हार्ड हीटर बैट्समैन है तो अकीम अगस्टी, 20+ का एवरेज है डोमेस्टिक T20 में, अच्छा बैट्समैन है, ये तीन आप लोग लेके चल सकते हैं, 1, 2, 3, प्लस अगर आप लोग तीन नहीं ले रहे हैं ऊपर के टॉप टू कवर करें, देन रोस्टन चेस अगर ऊपर बैटिंग करेंगे तो ये आपके लिए की प्लेयर है, प्लस CVC के लिए आप स्मॉल लीग में इनको रख सकते हैं। रीज़न क्या है, तीन आपको टॉप ऑर्डर में कम से कम तीन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन तो है ही हैं, ठीक है, ऊपर है जो आगे जो बैट्समैन है ना टीम, इसमें देखिए चंद्रपॉल हेमराज, हेटमायर और कॉलिन इंग्राम, तो हायर है चांसेस कि इनके अगेंस्ट में रोशन चेस बॉलिंग करे और मार्क डयाल बॉलिंग करे, तो ये इन दोनों को छोड़ना नहीं है, ये मस्ट हैव पिक है। थर्ड चॉइस में ये थर्ड प्लेयर हमारा जॉनसन चार्ल्स है, और फोर्थ प्लेयर अगर अगस्टी अगर आप लोग ले रहे हैं तो इनको रखिए, अदरवाइज आप बॉलिंग की तरफ बढ़िए, कैसरिक विलियम, स्कॉट कगलिन और जरी जोसेफ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर कैसरिक विलियम्स को ड्रॉप कर रहे हैं देन आपके पास में जावेर रॉयल है, इनके साथ में आपको जाना है। ये मैंने आपको क्लियर कट बता दिया है कौन से प्लेयर कैसे हैं, डेथ में कौन गेंदबाजी करेगा, कगलिन और अलजरी जोसेफ के ज़्यादा चांसेस हैं, और जिसमें कंफर्म है कि कलजरी जोसेफ तो करेंगे, बाकी यहाँ से कगलिन और कैसरिक विलियम्स भी डेथ में कर सकते हैं। T10 देखो कभी भी बॉलिंग मिलेगा, ये कंफर्म नहीं है कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, डेथ के बॉलर इंपॉर्टेंट है, और जो कि दो विकेट्स हमारे लिए लेते हैं तो मस्ट हैव पिक में हमारी स्मॉल लीग की टीम में वाइस कैप्टनसी की कंटेंडर अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। बात करते हैं सेंट लुसी जोक्स की तरफ से, रोस्टन चेस स्टेट्स काफ़ी अच्छे तो नहीं है, लेकिन T20 डोमेस्टिक के अंदर अच्छा इन्होंने किया है, विकेट्स भी लिए हैं प्लस बॉलिंग भी की है अच्छी खासी, अच्छे पिक है मस्ट हैव पिक में। चार्ल्स मस्ट हैव पिक में, कैसरिक विलियम्स T10 में उतने विकेट्स नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सरप्राइजली अगर विकेट ले लें तो अलग बात है, लेकिन एक विकेट से ज़्यादा इनको बहुत कम चांसेस में मिलता है, तो आप लोग GL में इनको रख सकते हैं और स्मॉल लीग में भी रखना पड़ेगा चूंकि एक्सपीरियंस इनके पास में है। उसके बाद में ऐसे क्लार्की है, ग्रैंड लीग में रखिएगा, यूथ ODI यानी Under-19 के भी खेल चुके हैं, प्लस रिसेंटली यूथ ODI में खेल के आ रहे हैं, वहाँ पर बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते हैं, जनरली एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में ये खेलते हैं। अलजरी जोसेफ की बात करते हैं, मस्ट हैव पिक में रहेंगे और स्टार पिक है, ग्रैंड लीग का वाइस कैप्टनसी का कंटेंडर है ये बंदा,
और कैप्टन सी का भी कंटेंडर है ग्रैंड लीग अगर आप लोग खेल रहे हैं। कोगलेन बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बॉलर हैं न्यूजीलैंड के और विकेट टेकिंग बॉलर भी हैं, तो इनको आप अपनी टीम की स्मॉल लीग में इंक्लूड करना चाहिए। मार्क दयाल क्या गए ओपन कर रहे हैं और मस्ट ऑफ पिक में रहेंगे क्योंकि अपोनेंट टीम्स में टॉप फोर के अंदर तो तीन तो लेफ्ट हैंडेड ही है, तो प्रोबेबिलिटी हायर है कि चेज और ये दोनों मिलके बॉलिंग करें। हो सकता है एक आध ओवर ये कर जाए और एक आध ओवर यहाँ से रोस्टन चेज करता है, दोनों में से किसी एक को विकेट कंफर्म मिलेगा, तो आप मार्क दयाल को भी अपनी टीम में ज़रूर रखिएगा। जेवियर रॉयल मैंने बता ही दिया, कैसरिक विलियम्स को छोड़ रहे हैं तो जेवियर रॉयल को अपनी टीम में रखना है। बाकी फोर्डी लेरो लग इनमें से आपको ग्रैंड लीग में रखना है, दोनों ही ग्रैंड लीग के प्लेयर हैं ठीक है। बाकी यहाँ से प्रेस्टन मैक्सवी ने ये भी ग्रैंड लीग का प्लेयर है, लैरी एडवर्ड है इसको भी आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, बॉलिंग ऑलराउंडर रही है। उसके बाद में अकीम अगस्टी मैंने आपको बता ही दिया है की प्लेयर हो सकता है, 20 का एवरेज मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया था, अच्छे पिक है, यूथ ओडीआई में भी अच्छा किया हुआ है तो आप लोग अपनी टीम में इनको इंक्लूड कर सकते हैं, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट से स्कोर कर लेता है। रिवाल्डो क्लार्क है यूथ ओडीआई में 20 के एवरेज से स्कोर किया है, ग्रैंड लीग में रख लीजिएगा, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है। रोशन प्रीमियस, रविंद्र प्रसोद और जेसे बूटन ये तीनों ही ग्रैंड लीग के चॉइस हैं, अगर कोई स्मॉल लीग का कोई अच्छा चॉइस अगर बनता है तो बूटन है, अगर ये टॉप थ्री में मेंशन होते देन आपके लिए अच्छी चॉइस है, अदरवाइज इनको भी आप लोग ड्रॉप करके ही चलेंगे टॉप थ्री में, ये ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। शिमरन हेटमायर मस्ट्यो पिक में बनेंगे, इंग्राम आपकी चॉइस है, टॉप ऑर्डर में से कोई एक प्लेयर अगर आप लोग छोड़ रहे हैं देन आप इंग्राम की तरफ जा सकते हैं, अगर टॉप थ्री में ये मेंशन है देन हम इनको अपनी टीम में रखेंगे, टॉप थ्री में मेंशन नहीं है तो हम लोग इनको भी अपनी टीम से छोड़ सकते हैं। यहाँ से बात करते हैं चंद्रपोल हेमराज मस्ट ऑफ पिक में रहेंगे क्योंकि T10 का एक्सपीरियंस इनके पास में है। शे होप की बात करते हैं मस्ट ऑफ पिक, पॉल स्टर्लिंग खेलते हैं तो हमारी टीम के मस्ट ऑफ पिक हेनरिक क्लासेन, ये हमारे ग्रैंड लीग के सलेक्शन है। बाकी ब्लैकवुड की बात करते हैं ये भी जीएल के पिक हैं, स्मॉल लीग के पिक है, गुदाशी विदाकिस्ट मोटी मस्ट ऑफ पिक में रख लीजिएगा, विकेट टेकर हैं। परम्यूल ये भी ग्रैंड लीग, कैम्बेल ये भी ग्रैंड लीग, सैमन लेविस ये भी हमारी ग्रैंड लीग, ये सभी ग्रैंड लीग के प्लेयर हैं, ये इसको एक बार स्मॉल लीग में टॉप थ्री में मेंशन होता है देन हम लोग अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। बाकी कोई भी इतनी अच्छी चॉइस आपके लिए नहीं है, सबके स्टेट्स आपके सामने हैं। टीम्स जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो आप लोग जुड़ जाइए, यहाँ पर बेस्ट टीम्स के फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। लॉरेंस को स्मॉल लीग में कोई वाइस कैप्टन नहीं लेके आया, और तो और किसी ने पिक भी नहीं किया था, हमने पिक किया और हमने वन साइडेड विन किया। प्लस एक टीम और मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ये टीम यहाँ पर सभी हेलेला मैथ्यूज़ के साथ में गए, हम स्टेफनी टेलर के साथ में गए, हम फ्रेजर के साथ में गए, हमने पिक किया रशादा विलियम्स को हमने लिया और हमने इजीली विन किया। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, कुछ नहीं करना है, जस्ट सर्च करना है फैंटेसी एक्सपर्ट न्यूज़ और हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, बेनिफिट आपको चाहिए तो ठीक है। टीम्स के फॉर्मेशन, स्मॉल लीग का फॉर्मेशन नंबर फर्स्ट आप लोग कह सकते हैं, जिसमें कैप्टन मेरे मार्क दयाल को दिया, वाइस कैप्टनसी मैंने यहाँ से ओडियन स्मिथ को दिया। मार्क दयाल बिकॉज ऑफ ओपनिंग प्लस एक्सपीरियंस काफ़ी है T10 का, इसलिए मैंने कैप्टनसी दिया है, हो सकता है मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, अगर चेज़ टॉप थ्री के अंदर या टॉप फोर में मेंशन होते देन चेज़ को मैं इंक्लूड अपनी टीम में कर सकता हूँ, अदरवाइज कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। देन ये हमारा स्मॉल लीग का टीम, ग्रैंड लीग का टीम नंबर फर्स्ट जिसमें कैप्टन हमारा कॉकलिन है, वाइस कैप्टनसी मैंने जॉनसन चार्ल्स को बनाया। थर्ड नंबर टीम जो कि ग्रैंड लीग का मेरा कॉम्बिनेशन नंबर टू है, जिसमें हेटमायर मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन गुदाकिश मोटी और ऑडियन स्मिथ में से कोई एक मेरा रहने वाला, ये भी मेरा कॉम्बिनेशन नंबर थर्ड है जो कि ग्रैंड लीग का सेकंड है। थर्ड कॉम्बिनेशन डेथ का बॉलर कैप्टन, वाइस कैप्टनसी रोस्टन चेज़, ये मेरा जीएल का कॉम्बिनेशन है जो कि थर्ड नंबर कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ में आपको जाना है, ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है, T10 फॉर्मेट है, बस रोटेशन कीजिएगा एक 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 प्लेयर का, ज़्यादा रोटेशन मत कीजिएगा नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। होपफुली आप लोग वीडियो को फॉलो करते हुए एक अच्छा अमाउंट विन करेंगे। थैंक यू।